नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ इंजन गर्म होने के क्या कारण रहते हैं। जो हमारी बाइक है इसके अंदर जो इंजन रहता है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है उसके क्या कारण रहते हैं, यानी ओवर हीटिंग के क्या कारण रहते हैं। देखो, तो सबसे पहला कारण रहता है कि जो इंजन की जो फिंग्स रहती ना उसके अंदर हवा का सर्कुलेशन बराबर मात्रा में होता रहे। यदि हवा का सर्कुलेशन बराबर मात्रा में नहीं होगा तो इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। कभी कभी हम जे सोका जे मड गार्ड रहता है उसके आगे हम वो लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं, जिसकी वजह से एयर का सप्लाई इसके अंदर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंजन गर्म होता है। दूसरा मेन रीज़न रहता है कि प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग कराना, हर 2500 किलोमीटर के अंदर आपको ऑयल चेंज करवाना ज़रूरी रहता है। अब आपको जब ऑयल चेंज कराना है तो वो कौन सी ग्रेड का ऑयल इसके अंदर डलवाना है, तो हर एक बाइक के अंदर अलग अलग ग्रेड का ऑयल डलता है। मान लो कोई 100 cc की बाइक है तो 10W30, कोई सी 150 की है तो 20W40, 20W50, तो अलग अलग ग्रेड का ऑयल डलाना पड़ता है। और बहुत सारे जो लोकल मैकेनिक रहते हैं उनके पास जो ऑयल रहता है वो अच्छी ग्रेड का ऑयल नहीं रहता, अच्छी कंपनी का भी नहीं रहता है, बस वो आपको प्रॉफिट के चक्कर में आपकी गाड़ी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आपको जिस ग्रेड का ऑयल चाहिए और अच्छी कंपनी का ऑयल इसके अंदर गाड़ी के अंदर डलवाना चाहिए। तीसरा मेन काम रहता है इसके अंदर इसकी धुलाई, आपकी गाड़ी की धुलाई बराबर समय पे होना चाहिए और जो फिंग्स रहती है उसको अच्छे से सफाई करना चाहिए। सफाई करने के बाद ही फिर उसकी सफाई हो जाती है तो फिर ये ज़्यादा गर्म होती है। अब इसके बाद और भी क्या रीज़न रहते हैं, जो टायर रहता है आपका आगे वाला टायर, पीछे वाला टायर, इसका प्रेशर बराबर मात्रा में है कि नहीं है। जो हवा का प्रेशर रहता है मान लो कम है, कम प्रेशर रहेगा इसके अंदर, हवा का प्रेशर कम रहेगा तो ये क्या धीरे धीरे चलेगी और इंजन का RPM बढ़ेगा, उसकी वजह से इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो हवा टायर का प्रेशर बराबर होना चाहिए, इसके बाद बिल्कुल फ्री होना चाहिए जो टायर आपका जो है बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। देखो आगे और पीछे वाला टायर बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, दोनों टायर फ्री घूमेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन रहेगा वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अब इसके बाद यदि आपकी ये सब आपने देख लिया, देखने के बाद आपकी इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है तो सबसे पहले मैकेनिक से बोलो, वो चेक करेगा कि जो इंजन के अंदर फ्यूल पंप रहता है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो फ्यूल पंप रहता है ना, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर दिल रहता है जो शरीर के अंदर सभी जगह खून का सर्कुलेट करता है, उसी तरह इंजन के अंदर एक फ्यूल पंप रहता है, वो सभी जगह इंजन के हेड में, गियर बॉक्स में, क्लच में, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, सब में ऑयल का लुब्रिकेशन करता है। यदि वो प्रॉपर तरीके से ख़राब हो गया, उसके टीथ ख़राब हो गए, वो प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं कर रहा तो गाड़ी गर्म हो जाती है। इसके बाद जो क्लच रहता है, क्लच की फ्री प्ले बराबर मात्रा में है कि नहीं है, ब्रेक की फ्री प्ले बराबर मात्रा में नहीं है, तो क्लच प्लेट की वजह से भी इंजन गर्म होता है। यदि क्लच प्लेट ख़राब हो गई तो इंजन ज़्यादा गर्म होता है, ओवर हो जाता है। तो ये मेन रीज़न रहते हैं इंजन गर्म होने के। यदि आप इस तरीके का बारी बारी से समाधान ढूंढोगे तो इंजन गर्म नहीं होगा और आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी, और आपकी गाड़ी की बराबर सर्विस समय समय पर करवाइए तो इंजन कभी गर्म होगा नहीं। तो ये मेन रीज़न रहते हैं इंजन गर्म होने के। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।